हेलो स्टूडेंट, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू के एक्स प्लस 18 इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स। आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। जब आपको क्या दे रखे हैं, इसके इक्वेशन के रूट्स क्या दे रखे हैं, इक्वल आपको दे रखे हैं। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखो हमको क्या दे रखा है इस चीज़ में, सबसे पहली चीज़ हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स और हमको क्या दे रखा है, 18 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं हमारी जनरल इक्वेशन से, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो देखो हम इससे कंपेयर यदि करेंगे, देखो हमारे पास क्या रहेगी, इसको कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो वन हो जाएगा। वैसे बी की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, बी के सामने टू रूट टू, और सी की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 18। ठीक है, तो देखो अब क्योंकि इस इक्वेशन के हमको जो रूट्स दे रखे हैं वो हमको क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्योंकि इसके रूट्स इक्वल हैं इसलिए क्या रहेगा, जो इसमें डिस्क्रिमिनेंट रहेगा यानी डी की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी जीरो रहेगी। डी की जो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा। तो डी का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, टू रूट टू, तो हमने रखा यहाँ पे टू रूट टू स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगाया, माइनस फोर इंटू ए हमको क्या दे रखा है, वन इंटू सी हमको दे रखा है 18 इक्वल टू ज़ीरो हमने रखा। देखिए टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे टू, माइनस फोर वन जा फोर फोर एटीन, एटीन फोर जा कितना होता है हमारा 72 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो इसके साथ जो रूट टू के साथ में क्या था, के भी हमारे पास एक नंबर है हाँ, जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने के यहाँ पे नहीं लिखा है। तो के यदि यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास के का भी स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर टू जा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8k² माइनस 72 इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 72 इधर किस में आ जाएगा, प्लस में, और 8 किस में आ जाएगा, नीचे डिवाइड में। तो इसको कैंसिल करेंगे हम, तो 8 × 8 = 9 = 72, तो यहाँ पे आ गया 9। अब स्क्वायर इधर आके किस में आ जाएगा हमारा, रूट में। ठीक है, ये स्क्वायर आके इधर किस में आ गया, रूट में। तो k इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। तो k की जो वैल्यू रहेगी वो आएगी प्लस माइनस 3। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा।